हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में उन कॉमन 6 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम नॉर्मली ड्राइव करते वक्त अनजाने में कर देते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो हमारे गाड़ी के ऊपर बहुत बुरा हो पड़ता है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, तो चलो देखते हैं। गलती नंबर 1, गियर शिफ्ट करने के लिए आलसपना करना, माने कि जरूरत के हिसाब से गियर शिफ्ट नहीं करना। ये हम तब करते हैं जब हम हाई स्पीड में ड्राइव कर रहे होते हैं, हाईवे पर या फिर खुले रास्तों पर, तब हमारी गाड़ी 5th गियर में रहती है और 80 या फिर 85 के आसपास रहती है। तब हमें किसी वजह से हमारी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है और जब हम गाड़ी की स्पीड कम करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल हमारी गाड़ी की स्पीड 35 या फिर 40 के आसपास आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, तब हमें एक जरूरत होती है डाउन शिफ्ट कर हमारी गाड़ी फिर से पिकअप लेने की, पर हम वैसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर ही हार्डली प्रेस कर हमारी गाड़ी 35 से 80 के एमपीएस पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम हार्डली एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तब इंजन के ऊपर बहुत बुरा असर गिरता है, इंजन लग होना चालू हो जाता है। उसका मतलब है इंजन घिसना चालू हो जाता है और क्लच प्लेट के ऊपर भी प्रेशर गिरता है। 35 के स्पीड में 5th गियर डालना कोई मतलब की बात नहीं होती। इसलिए गियर शिफ्ट करने के लिए, डाउन शिफ्ट करने के लिए आलसपना ना कीजिए। जब आपको जिस गियर की जरूरत रहे तो आप वो गियर डालते रहिए। और सेकेंड मिस्टेक है क्लच झटके से छोड़ देना। जब हम हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब हमें गियर शिफ्ट तुरंत करने की जरूरत होती है हमारी गाड़ी की स्पीड कंस्टेंट रखने के लिए, या फिर ओवरटेकिंग करते वक्त हमें हमारी गाड़ी गियर जो शिफ्ट होता है वो तुरंत करना होता। तब बहुत सारे ड्राइवर्स क्या करते हैं, बहुत सारे ड्राइवर जो क्लच होता है वो झटके से छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमारी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जोर से पटकते हैं। अगर हमारी गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव रहे तो जो हमारा यूनिवर्सल जॉइंट रहता है व्हील को वो भी पटकता है व्हील की तरफ, और वो लूज हो जाता है और उससे आवाज आना चालू हो जाता है। अगर आप ये गलती करते हैं तो ये गलती फिर से ना दोहराइए। अगर आप ये गलती कर रहे थे और आपके रियर आपका जो यूनिवर्सल जॉइंट है व्हील की तरफ, उससे आवाज आता होगा टर्न, जब आप क्लच छोड़ते हैं तब आवाज आता होगा, तो वो आवाज ना आने के लिए आप उसकी जो जॉइंट की यूनिवर्सल जॉइंट रहेगा उसकी ग्रीसिंग करके लीजिए, उसके अंदर ग्रीस डाल के लीजिए, तो वो दिक्कत जो है वो कम हो जाएगी। इसलिए जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तब हमें क्या करना है, उसकी एक प्रोसेस होती है तुरंत गियर शिफ्ट करने की भी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ठीक से वो आ जाएगी। तो जो जब हम क्लच छोड़ते हैं तब हमें एकदम आराम से क्लच छोड़ना है। फ्रिक्शन जोन में क्लच आ जाने के बाद हमें एक्सीलेटर दबाना है, जैसे कि मैं आपको मेरे हर वीडियो में बताता हूँ। और थर्ड मिस्टेक ये है कि ये मिस्टेक न्यू लर्नर्स काफी करते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि जब हम ड्राइव करते हैं, चाहे लो स्पीड में रहे या फिर हाई स्पीड में रहे, तब हमें गियर शिफ्टिंग के बाद हमारे क्लच का जो पाव होता है वो हटाना होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ड्राइवर्स क्या करते हैं, गियर शिफ्टिंग के बाद भी क्लच के ऊपर पाव वैसा ही रखते हैं। भले हमने आराम से पाव रखा हो फिर भी उसका इफेक्ट हमारे क्लच प्लेट के ऊपर गिरता है। अगर आपने गियर शिफ्टिंग के बाद भी अगर आपने क्लच पेडल दबा के रखा हुआ है, इसका मतलब आपने ठीक से इंजन को और गियर बॉक्स को एंगेज नहीं किया है, और जो हमारी क्लच प्लेट रहती है, क्लच डिस्क रहती है, वो प्रेशर प्लेट के ऊपर स्लिप हो जाती है और उससे क्लच प्लेट जलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लच प्लेट कैसी काम करती है उसके बारे में ठीक से पता चले, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, तो ऊपर एक लिंक आ रही होगी, उस लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं कि क्लच प्लेट एग्जैक्टली कैसे काम करती है। उसमें मैंने बेसिकली नॉर्मली बताया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों, हमें जब हम गियर शिफ्ट करते हैं क्लच दबाकर, तब क्लच पेडल से पाव पूरी तरह हटाना जरूरी होता है। चौथी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी है कि डोंट रेस्ट योर हैंड ऑन गियर शिफ्टर। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं जो काफी टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, वो भी क्योंकि वो वन हैंड से ही गाड़ी चलाते हैं और जो उनका दूसरा हाथ रहता है वो गियर शिफ्टर के ऊपर वो रेस्ट करते हैं, जो कि हमारी गाड़ी के हेल्थ के लिए, हमारे गियर बॉक्स के हेल्थ के लिए
हानिकारक होता है। जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तब गियर शिफ्ट करने के बाद हमारा दूसरा हाथ जो है वो फिर से हमारे स्टेयरिंग के ऊपर आना चाहिए। इसके दो फायदे रहते हैं। पहला फायदा रहता है कि जब हम हमारा गियर शिफ्टिंग के बाद स्टेयरिंग के ऊपर हाथ लेकर आते हैं तब हमारा दोनों हाथ हमारे स्टेयरिंग के ऊपर रहते हैं और हमारे दोनों हाथ से हम हमारी गाड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं और हमारा गाड़ी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। जब हम गियर शिफ्ट करने के बाद भी गियर शिफ्टर के ऊपर हमारा हैंड जो रेस्ट करते हैं तब क्या होता है, जो हमारा गियर सिलेक्टर फॉर्क रहता है वो जो घूमने वाले कंपोनेंट रहते हैं, घूमने वाले पार्ट्स रहते हैं गियर बॉक्स के अंदर, उसके ऊपर वो घिसने लगता है। तो उसके वजह से हमारे गियर बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा काम निकलने की संभावना रहती है। इसलिए जब हम गियर शिफ्ट करते हैं उसके बाद तुरंत हमें हाथ निकाल कर फिर से स्टेयरिंग पर लाना है या फिर आर्म रेस्टर पर रखना है या फिर हमारे लेफ्ट साइड वाले पाव पर रखना है। और फिफ्थ मिस्टेक जो कि बहुत सारे लोग कार स्टार्ट करते वक्त कार बंद ना हो जाए इस डर से कार हमेशा हाफ क्लच में स्टार्ट करते हैं। हाफ क्लच का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसकी सच में ज़रूरत हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हेवी ट्रैफिक में हो और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है तभी आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हाफ क्लच के इस्तेमाल से गाड़ी धीरे धीरे आगे मूव होती है। या फिर जब आपकी गाड़ी हिल पर बंद गिर जाती है, हिल पर आपको आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, तब आप हाफ क्लच का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन नॉर्मल डेज में गाड़ी चलाते वक्त आप हाफ क्लच का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि जब हम नॉर्मल डे में हाफ क्लच का इस्तेमाल बार बार करते हैं तो पूरी गाड़ी का प्रेशर जो है वो क्लच के ऊपर गिरता है और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन एरिया रहता है क्लच क्लच प्लेटों का, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और कुछ समय के बाद वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और हमें दूसरी क्लच प्लेट लगवानी पड़ जाती है। इसलिए जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब जो प्रोसेस है, जो सिंक्रोनाइजेशन है, क्लच धीरे से छोड़ना है, एक्सीलेटर धीरे से दबाना है, उसी प्रोसेस के साथ स्टार्ट कीजिए, उसी प्रोसेस का प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद आपको बिल्कुल सही से आ जाएगा। तो वही प्रोसेस आप हर गियर शिफ्ट करते वक्त कीजिए। पेडल और एक्सीलेटर सिंक्रोनाइजेशन में छोड़ना और दबाना बहुत ज़रूरी होता है हमारी गाड़ी के हेल्थ के लिए। और सिक्स्थ वाली मिस्टेक है कि ब्रेक यूजेस। में किसी को पता नहीं होता है कि ब्रेक का सही तरीके से इस्तेमाल हमें कैसे करना है, हाई स्पीड में, लो स्पीड में या फिर सिटी में ड्राइविंग करते वक्त, और वो गलती कर बैठते हैं और क्लच प्लेट जला डालते हैं या फिर ब्रेक ब्रेक ब्लेड जो रहते हैं वो जला डालते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया हुआ है। तो आप ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को ठीक से देख सकते हो, ठीक से समझ सकते हो, जिससे कि आपकी गाड़ी की हेल्प बढ़ेगी, आपके ब्रेक्स की हेल्प बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी क्लच की हेल्प बढ़ेगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो ब्रेक यूजेस का वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके ड्राइविंग के करियर में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। और दोस्तों, हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रहिए, गाड़ी चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और गाड़ी चलाते वक्त हमेशा अपने मोबाइल से दूर रहिए।